31 मई को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, बताया कि एक अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव के कारण जहां पर दिल्ली का तापमान लगभग एक बार 53 डिग्री सेल्सियस भी टच किया, इतनी भीषण गर्मी में दिल्ली की पानी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ चर्चा विमर्श कर ये पता चला कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पीने का पानी है और वो दिल्ली को देने को तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने इतनी ही मांग रखी कि हरियाणा द्वारा ये पानी दिल्ली आने दिया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश दिल्ली के साथ तो सटा है नहीं, पानी को हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के हथनी कुंड बराज से दिल्ली को छोड़ दिया जाए और दिल्ली के वजीराबाद बराज तक पहुंच जाए। दूसरा, हमने ये भी बताया कि इस बार मॉनसून सीजन डिलेड है, 30 जून 2024 से एक्सपेक्टेड है, तो उसके चलते ये थोड़े टाइम के लिए ही ये अरेंजमेंट चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2024 को एक आदेश दिया जिसमें सब स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई। वहां पर उस मीटिंग के उपरांत 6 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी हिमाचल प्रदेश देने को तैयार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार देने को तैयार है और भाजपा की हरियाणा सरकार इस पानी को बिना किसी रुकावट के दिल्ली आने दे, हथनी कुंड बराज होते हुए वजीराबाद बराज तक। बस इतनी सी मांग थी। पर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी एग्जैक्टली पढ़ के सुना देती हूं। पैराग्राफ 10 में 6 जून 2024 की ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट कहता है, द ब्रेकअप ऑफ सरप्लस वाटर अवेलेबल विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच बिटवीन द पीरियड फ्रॉम मार्च 2024 टू जून 2024 137 क्यूसेक ऑफ सरप्लस वाटर इज अवेलेबल विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। Since the state of Himachal Pradesh has no objection and is ready and willing to release the surplus drinking water available with it, we direct that the state of Himachal Pradesh shall release 137 cuseks of surplus drinking water available with it from the upstream so that the water reaches Hathni Kund Barrage and reaches Delhi through Wazirabad. आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है, एज एंड व्हेन द सरप्लस ड्रिंकिंग वाटर इज रिलीज्ड विद प्रायर इंफॉर्मेशन इंटीमेशन टू द स्टेट ऑफ हरियाणा बाय द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, द स्टेट ऑफ हरियाणा शैल फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ सरप्लस ड्रिंकिंग वाटर सो रिलीज्ड बाय हिमाचल प्रदेश टू हथनी कुंड बराज एंड टू वजीराबाद सो दैट द वाटर रीचेस दिल्ली अनइंटरप्टेडली and is made available to the citizens of Delhi for meeting drinking water requirement. बस इतना ही करना था हरियाणा सरकार को, भाजपा सरकार को, कि हथनी कुंड बराज से दिल्ली पानी आने दे। पर हरियाणा की भाजपा सरकार क्या करती है? ये 137 क्यूसेक पानी जो हिमाचल से आना था, ये तो रोक ही देती है। साथ में दूसरे चैनल से दिल्ली पानी आता है 1050 क्यूसेक, उसमें 200 क्यूसेक और कम कर देती है, और कम कर देती है। इनकी इसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा है कि भाजपा हरियाणा में हाफ हो गई है और जल्दी साफ भी हो जाएगी। हरियाणा के लोग कैसे होते हैं? आप उनसे पानी का ग्लास मांगोगे, वो साथ में लस्सी भी देंगे। पर ये हरियाणा की नेगेटिव भाजपा सरकार
हिमाचल से आने वाले पानी को भी रोक रही है और हमारा दूसरे चैनल से भी पानी रोक रही है।